प्यारे दर्शकों नमस्कार। इस संसार में ऐसी ऐसी भी जड़ी बूटियां हैं जिसके चमत्कार प्रभाव को और चमत्कारी शक्तियों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। आज हम एक ऐसी जड़ी बूटी से आपसे परिचय कराने जा रहे हैं। अगर इसे रवि पुष्प नक्षत्र वाले दिन प्रातःकाल नहा धो करके उत्तर मुख होकर उखाड़ लाते हैं और इसकी 5 पत्तियों को आप पीले कपड़े में एक छोटी सी गांठ बनाकर अपने दाहिने भुजा पर बांधकर किसी भी काम के लिए जाते हैं तो दावा इस बात का फुल गारंटी है, आप इसको प्रयोग करिए और लाभ उठाइए। अगर ये गलत निकल जाए तो मेरे चैनल को आप लाइक मत करिएगा, ना कभी हमारी वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम दिखाते हैं वो ज़बरदस्त बूटी, ठीक है, आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये बूटी आप लोग पहचान नहीं होंगे, देख लीजिए किस टाइप की होती है। ये अक्सर आपको मिल जाएगी देखने में जंगलों में या नदी किनारे तालाब किनारे। इसके सफ़ेद सफ़ेद फूल होते हैं, देख लीजिए इस तरीके से ढेर सारी लगी रहती है, ठीक है। ये देखिए कितने छोटे छोटे प्यारे से फूल हैं, मैं आपको एक बार और दिखा दूँ। थोड़ा सा यहाँ से आज लाइट की दिक्कत है। ये देखिए इस तरीके से होती है। इसको लाने के बाद आप इसका चमत्कार देखें, दंग रह जाएंगे। और ये आप इंटरव्यू या कहीं आप जाते हैं अपने काम धाम के लिए जहां आपको सफलता नहीं मिलती उसके लिए वरदान है। इसीलिए इसको नाना प्रकार से माया मोहनी, ठीक है, महामाया, दुर्लभा, संकोचनी, दिव्यनी, धरा शक्ति, पाताल शोधनी के नाम से जाना जाता है। इसको कहीं भी अगर आपको मिले उठाइए, लाभ लीजिए और इसको बनाइए। अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। किसी प्रकार की असुविधा हो, किसी प्रकार की जानकारी लेनी हो तो देखिए हम जानकारी आपको निःशुल्क देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी हमारी ये पूजा करवा दो, और आप बोलते फ्री में। तो फ्री में अब मैं चैनल के माध्यम से उन लोगों को कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बस ये है हम आपकी समस्याओं को सुनते हैं निःशुल्क, उसका समाधान निःशुल्क बताते हैं, पूजन निःशुल्क करते हैं। आप जो दक्षिणा दे दीजिए, नहीं हो मैं तो कहता हूँ नहीं पूजा उजा इधर मत, बिल्कुल मत कराओ, इधर आप खुद अपने आप करो भाई। बहुत सारे टोने टोट के उपाय हमने वीडियो बता रखे हैं, उसको करो, लाभ उठाओ। किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कॉन्टैक्ट नंबर दीजिएगा, संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।